चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क को गुरबत से निकाल दिया तो एतमाद से खुदा का सामना कर सकूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नरेंद्र मोदी को बराह रास्त मुनाज़रे की पेशकश। इमरान खान ने सऊदी अरब के तारीखी यौम तासीस के मौके पर सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को तहे दिल से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दो रोज़ा दौरे पर रूस रवाना होंगे। दौरे रूस के दौरान पाकिस्तान इंतहाई अहम मामलात में बातचीत आगे बढ़ाएगा। यूक्रेन ने रूस तनाज़े पर पाकिस्तान से मदद मांग ली। ऑपरेशन अदल फसाद के 5 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों और कौम के अज़म को सलाम पेश। DGISP आर ने कहा ऑपरेशन अदल फसाद की कामयाबियाँ शहदा के खून के नजरानों और आवाम के भरपूर जद्दोजहद से मुमकिन हुई। अपोजिशन अदम एतमाद ले आए, नाकामी उनका मुकद्दर है। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा अपोजिशन जमातें मुलाकातें और गुजारिशात कर रही हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलना। अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है। बिलावल और जरदारी बड़े शौक से आए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को गुरबत से निकाल दिया तो एतमाद से खुदा का सामना कर सकूंगा। चीन ने लोगों को गुरबत से निकाला, हम चीन से सीख रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को गुरबत से निकाल दिया तो एतमाद से खुदा का सामना कर सकूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी TV RT को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुल्क को गुरबत से निकाल दिया तो एतमाद से खुदा का सामना कर सकूंगा। चीन ने लोगों को गुरबत से निकाला, हम चीन से सीख रहे हैं। एंड फॉर मी इफ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल रोड देन यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर हाउ यू कैन face your God after you die, that you have fulfilled your responsibility as a human being. And our responsibility as a human being is, the more God gives us, the more responsibility we have to lift to help other human beings. Imran Khan ne kaha ki jab duniya blocks mein taqseem hui to Pakistan amriki block mein gaya, hum gair mulki imdad ke liye block ka hissa bane. Bairuni imdad mulk ke liye ek lanat hai, iski wajah se apna nizam nahi bana sake aur khud inhisari nahi rahi. अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, लिहाजा अब हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क में इसका वक़ार कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरे मकसद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बराह रास्त टीवी मनाज़रे की पेशकश करते हुए कहा, भारत को समझना होगा, नफ़रतें बढ़ाने से खूनरेज़ी बढ़ती है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, दुनिया को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती आलूदगी से दुनिया मुतासिर हो रही है। इमरान खान का कहना था कि हम तमाम ममालिक से तजारती ताल्लुकात चाहते हैं, तजारती ताल्लुकात बेहतर करके मुल्क के आवाम को गुरबत से निकाल सकते हैं। बतौर वजीर आजम मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन मंसूबा मुतासिर हुआ क्योंकि इन कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां थीं। तरक्की पजीर ममालिक किसी सर जंग के मुतहमल नहीं हो सकते। उम्मीद है यूक्रेन तनाजा पुरअमन तरीके से हल हो जाए। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब के तारीखी यौम तासीस के मौके पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को तहे दिल से मुबारकबाद दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए नेचुरल हेल्थ ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com। گرینش ہینڈ سینیٹائزر نہ آئلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزارپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف۔ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com। वज़ीर आज़म इमरान खान दो रोज़ा दौरे पर मॉस्को जाएंगे। काबीना अरकान समेत आला सतह वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमराह रूस जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दो रोज़ा दौरे पर रूस रवाना होंगे। दौरे रूस के दौरान पाकिस्तान इंतहाई अहम मामलात में बातचीत आगे बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात सामने आ गई हैं जिसके मुताबिक इमरान खान 23 फरवरी की शाम मॉस्को पहुँचेंगे जहां रूस के नायब वजीर खारजा वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे जिसके बाद वजीर आजम को मॉस्को में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम 24 फरवरी को रूसी सदर से मुलाकात करेंगे जिसमें पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा जबकि इमरान खान दूसरी जंग अजीम में हलाक फौजियों की कब्र पर फूल रखेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकात भी होगी। इमरान खान मॉस्को में इस्लामी सेंटर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम से रूस के मुफ्ती आजम की मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल है। वजीर आजम इमरान खान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के अजम का आदा करेंगे। पाकिस्तान के लिए यह मंसूबा इंतहाई अहम है और वजीर आजम इसकी जल्द तकमील के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस से तनाजे पर पाकिस्तान से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेनी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन पर रूसी हमले के पेश नज़र हमारी मदद करे ताकि हम रूस की जहरियत के खिलाफ कामयाब हो सकें। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर मार्कियान चौचक ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि यूक्रेन रूसी जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देने का हक महफूज रखता है। रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। गुज़िश्ता 6 माह में यूक्रेन सरहद पर 1.5 लाख से ज्यादा रूसी फौजी तैनात हो चुके हैं। रूसी हमले से पूरी दुनिया में कशीदगी फैल जाएगी। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, वो तनाजे के हल में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के कामयाबी से 5 साल मुकम्मल होने पर शहदा की कुर्बानियों और कौम के अज़्म को सलाम पेश किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में कहा कि 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में समेटी गई कामयाबियों को मुस्तहकम करने और मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए
ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना बुनियादी मकसद रहा। डीजी आईएसपीआर का कहना था कि गैर यकीनी सूरत हाल से अमन की जानिब सफर के लिए ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बिलाशुबा दो दहाइयों की कामयाबियां भारी कुर्बानियों से मुमकिन हुई हैं। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, आज़ादी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि इस मकसद के लिए अजीम कौम ने जो अज़्म दिखाया उसको भी सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन कहती है कार्ड छुपाए हैं, इमरान खान अपने कार्ड छाती से लगा कर रखता है। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा MQM और काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखला शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान और जहांगीर तरीन पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात हो जाते हैं, सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन अदम एतमाद लाए तब भी फंसेगी। ओपोजिशन 3.5 साल से कहती चली आ रही है कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, 172 मेंबर लाना उनका काम है, फिर कहते हैं कोरोना आ गया था, फोन आ गया था, हो सकता है उनकी बेवकूफियों पर तारीख लिखी जाए। इंतशार और खलफशार उनके गले पड़ेगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया, इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया मिलकर काम करेगी। कराची में ऐसे नजर आ रहा है जैसे वहाँ कोई कानून नहीं रहा। मुराद अली शाह कहें तो रेंजर्स थानों में भी देने को तैयार हैं। कराची में ला कानूनियत के बुरे नतायज सामने आ सकते हैं। हम तैयार हैं जनाब, अगर सिंध गवर्नमेंट कहे तो हम अपनी रेंजर्स की फोर्सेज बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हत्ता के थानों में भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कानून के तहत चीफ मिनिस्टर्स मुराद अली शाह साहब अगर हमसे कोई इमदाद मांगे तो हम ये इमदाद करने के लिए तैयार हैं। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हम अपनी जिम्मेदारी और किरदार अदा नहीं कर सके। PSL के इस पूरे तजुर्बे में अपना जायजा लेने, सीखने और बेहतरी के लिए बहुत सबक मौजूद है। हम इंशाअल्लाह मजबूत होकर कम बैक करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने परस्तारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कराची किंग्स की भरपूर हिमायत करने और हम पर एतमाद करने पर मद्दाहों का बहुत शुक्रिया। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी कलंदर्स के रंग में रंग गए। उनका कहना है कि मुआवजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कलंदर्स की जानिब से यूट्यूब पर जारी वीडियो में राशिद खान ने कहा कि मैंने कलंदर्स के मैनेजर समीन राणा से कहा कि मेरे लिए ड्राफ्ट कैटेगरी कोई अहमियत नहीं रखती, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत किसी कमतर कैटेगरी में है तब भी मैं कलंदर्स के लिए दस्तयाब होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 वनडे और 1 T20 29 मार्च से 5 अप्रैल तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। स्टार क्रिकेटर्स डेविड वार्नर, पैट कमंस, जोश हेजलविड, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल की खिदमत मैसर नहीं होंगी। 3 वनडे और 1 T20 29 मार्च से 5 अप्रैल तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।